सुनिए सुना रहा हूँ एक दास्तान है। सावन का महीना बड़ा पावन महान है। सुनिए सुना रहा हूँ एक दास्तान है। सावन का महीना बड़ा पावन महान है। लाखों कंवड़िया जाते हैं श्री बाबा धाम को जपते हुए उमंग में बम बम के नाम को। इकलौता बेटा बाप का माता का नौनिहाल कांवड़ चढ़ाने के लिए वो भी चला एक साल। उसकी पत्नी बोली कि आपके संग मैं भी जाऊंगी, कांवड़ आपके साथ में जाकर चढ़ाऊंगी। खुशियों में झूमते हुए वो दोनों चल पड़े भोले को जल चढ़ाने के लिए। घर से निकल पड़े सुल्तानगंज में पहुंचकर जहां से जल भरा जाता है गंगा के किनारे। खुश होके देखने लगे मेले के नज़ारे। पति बोला आ रहा हूं मैं स्नान कर अभी, फिर पीछे तू नहाना, आ जाऊं मैं जब ही। और कूद पड़ा गंगा जी में डुबकी लगाया, फिर लौट करके वो वहां वापस नहीं आया। पत्नी को गया छोड़ अकेली संसार में, वो बह गया श्री गंगा जी की बीच धार में। चारों तरफ में जैसे एक चित्कार मच गया, गंगा के किनारे में हाहाकार मच गया। पत्नी पछाड़ खाती थी रोती थी जार जार के भोले तूने लूट लिया मेरा सोने का संसार। संभालो प्रभु अपनी कावल लुट गई मैं अभागनिया पे, लुट गई मैं अभागनिया पे, लुट गई मैं अभागनिया पे। ये लो संभालो, लो संभालो संसार को। कर दिया वीरान महकते हुए गुलजार को। कौन कह रहा है कि तू दानी दयावान है, दीन और निर्बल पे सदा रहता मेहरबान है। आज सभी बात तेरी मैंने लिया जान है, बस निर्दयी कठोर है पत्थर का तू भगवान है। गया विश्वास मेरा आज तेरे नाम से, क्या कहूंगी दुनिया को जाकर के तेरे धाम से। ओ मैं भी चली जाऊंगी दुनिया से नाता तोड़ कर, अब यही मर जाऊंगी पत्थर से सर को फोड़ कर। तब देख के उस दुखिया को सब लोग तरस खाते थे, कोई देता था तसल्ली और कई समझाते थे। पर नहीं था उसको अपनी दीनों दुनिया का ख्याल, फाड़ती थी कपड़े तन के नोचती थी सर के बाल, और फिर कभी कहती थी भोले झूठा तेरा नाम है। अरे दीन और दुखियों के कभी आता नहीं काम है। ये लो संभालो, ये लो संभालो प्रभु अपनी कावल लुट गई मैं अभागनिया पे, लुट गई मैं अभागनिया।
वाले बड़े कुमलाक। जो लोग कभी कांवड़ उठा के बाबा को जल चढ़ाने गए हैं वो जानते हैं कि पैरों के हालत क्या होते हैं। और वैसे भी सच्चाई तो ये है, इरादे सैकड़ों बनते हैं बन के टूट जाते हैं, इरादे सैकड़ों बनते हैं बनकर टूट जाते हैं, और वही कावड़ उठाते हैं जिन्हें भोले बुलाते हैं। पैरों में छाले पड़े कुमला गया कोमल बदन, मारे भूख प्यास के होती थी कंठ में जलन, और बाल थे बिखरे हुए कपड़े बदन के तार तार, राह में गिर पड़ती थी बेहोश होके बार बार। तब देख करके हाल एक संत को आई दया, और पानी पिला करके पूछने लगे, बेटी बता अरे हाल जरा अपना सुना दे यहाँ पे बैठ कर, किस लिए तू फिर रही है मारी मारी दर बदर। रो के वो कहने लगी बस टूट गया भाग है, आज इस दुनिया में मेरा लुट गया सुहाग है। संत बोले बेटी तो हिम्मत से जरा काम ले, एक दफा भोले प्रभु का प्रेम से तू नाम ले, अरे देते हैं सबको सहारा तू उन्हीं को याद कर, जो भी तुझको कहना है चल के वहीं फरियाद कर। वो चीख करके कहने लगी झूठा तेरा ज्ञान है, अरे इस जगत संभालो ये लो संभालो भोले अपनी कावड़ लुट गई मैं अभागन यहाँ पे, लुट गई मैं अभागन यहाँ पे, बोलो संभालो प्रभु अपनी कावड़ लुट गई मैं अभागन यहाँ पे, लुट गई मैं अभागन यहाँ पे। दरबार में कैसे हुआ और वो संत कौन थे? फिर सैकड़ों कावड़ियों की कावड़ झपट के तोड़ दी, मार के पत्थर ना जाने कितनों के सर फोड़ दी, और पीछे 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 आ गई वो भोले जी के द्वार में, गिर पड़ी वो औंधे मुशिव शंभु के दरबार में, और बोली चीख मार के क्या तू ही वो भगवान है, अरे कर दिया बगिया को मेरे तूने तो वीरान है, क्या मिलाओ निर्दयी सुहाग मेरा लूट कर। रोने लगी हिचकियां ले लेके फूट फूट कर, है अगर भगवान तो क्यों सामने आता नहीं, बिजली आसमान से क्यों मुझ पे गिराता नहीं, और सर को पटकने लगी शिवलिंग पे वो बार बार, बहने लगी सर से उसके चारों तरफ खून की धार। क्या अरे आज तो प्रीतम को अपने लेके मैं घर जाऊंगी, वरना तेरे धाम में सर फोड़ के मर जाऊंगी। फिर भोग
कुछ लोगों ने मिलकर उसे एक जगह लिटा दिया मंदिर के ला बाहर उसे। लोगों ने समझा ये किनारा जगत से कर गई, ये कौन थी बेचारी आज आके यहाँ मर गई। फिर आई एक आवाज, अरे भाग्यवान जरा आखो, फिर आई एक आवाज, भाग्यवान जरा आंख खोल। प्रेम से शिव भोले जी के नाम की जयकार बोल, प्रेम से शिव भोले जी के नाम की जयकार बोल। वो चौंक करके देखने को खोली जब अपनी नजर, चौंक करके देखने को खोली जब अपनी नजर, उसके पति ही की गोद में रखा था उसका सर। भोली पति से लिपट ये कैसा चमत्कार है, हंस के पति बोला ये शिव भोले का दरबार है। अरे सूखे हुए बाग हृदय के यही खिल जाते हैं, मुद्दतों से बिछड़े हुए भी यही मिल जाते हैं। अरे मैं तो बह गया था, बह गया था, बह गया था, बह गया था श्री गंगा जी की धार में। लोग कुछ नहा रहे थे घाट के उस पार में, एक संत की पड़ी बहते हुए मुझ पे नजर, कहते हैं कुछ लोग वही लाया मुझे तैर कर, होश में लाकर मुझे बतलाया वो तेरी खबर, और बोला सीधे जा चला तू बाबा धाम की डगर। अरे पत्नी तेरी कर रही है बस तेरा ही इंतजार, तेरी जुदाई में हो गई है बेचारी बेहाल, और बह रही थी संत के सर से खून की मोटी सी धार। पूछा मैंने संत से ये देख करके बार बार क्या, हे बाबा हे बाबा हे बाबा कैसे चोट लगी है मुझे बताइए, मुझसे कोई बात अपने दिल की ना छुपाइए। वो संत बोले अरे मेरी एक बेटी है गुस्से में आज हार कर, छोड़ दिया सर मेरा पत्थर से मार मार कर, और मुस्कुरा के कहने लगे उसका ये उपहार है, पर मेरी पगली बेटी को मुझसे बड़ा ही प्यार है। अरे है बड़ी जिद्दी अभी दुनिया से वो नादान है, कुछ भी हो मैं हूँ पिता और वो मेरी संतान है, पर कुछ भी हो मैं हूँ पिता और वो मेरी संतान है। तब तो वो घबरा गई सुनकर पति देव के बयान को कि नाथ मैं भी तो मार बैठी थी एक संत दयावान को। और पत्नी बोली क्या, पत्नी बोली नाथ अब कांवड़ अभी मंगाइए, फिर पत्नी बोली नाथ अब कांवड़ अभी मंगाइए, और मेरे साथ भोले जी को चल के जल चढ़ाइए। हाथों में जल पात्र लिए दोनों जब आगे बढ़े, देखा मुस्कुराते हुए संत को वहां खड़े, और देख करके उनको वहां हो गए हैरान है, क्या दिव्य रूप उनका है चेहरा प्रकाशवान है। फिर उन्हें दिखलाई पड़ा बहती है जटा से गंग, और भोले बाबा थे खड़े हंसते हुए गौरी के संग। सामने को शिव चरण वो दोनों जब आगे बढ़े, भोले जी शिवलिंग पे वो गिर पड़े, अब रोके वो कहने लगे गलती क्षमा कर दीजिए, आपके शरण में है बाबा दया कर दीजिए, धन्य है माया तेरी तू दानी दयावान है, चरणों में अपनाइए हम मूर्ख है नादान है। वो भोले तेरा भेद
तभी तो सभी संसार है। फिर दोनों प्राणी भोले को कांवर चढ़ा हुए प्रसन्न, फिर दोनों प्राणी भोले को कांवर चढ़ा हुए प्रसन्न, और गाने लगे शर्मा जल चढ़ा के प्रेम से भजन। क्या ये लो संभाल लो संभाल लो संभाल लो संभाल लो संभाल लो भोले अपनी कांवर बन गई मैं सुहागनिया वे बन गई।